आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड ऑल्सो वेरी नर्वस बिकॉज ऑफ कोर्स इससे काफ़ी सीक्रेट्स बाहर आ जाते हैं, बट वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैं बहुत टाइम बात कर रही हूँ और ये सेगमेंट इज वन ऑफ माई फेवरेट सेगमेंट, तो बहुत मजा आएगा. आई हैव 8,300 फोटोज एंड वीडियोज, एंड वीडियोज अगर अलग से पूछोगे तो 2,262 वीडियोस यूजली स्नैपचैट पे मैं जो भी लेती हूँ और इंस्टाग्राम पे वो यहाँ पे सेव कर लेती हूँ. रील्स है, ड्राफ्ट्स है, फनी वीडियोस है मेरे फ्रेंड्स की और कुछ मेमोरीज हैं, बट बहुत ज़्यादा है. लास्ट पिक्चर आई क्लिक्ड ऑन माय फ़ोन, तो मैं ज़्यादा फ़ोटोज़ खींचती नहीं हूँ, बट इट्स दिस जो पिक्चर मैंने एडिट की थी जो मैंने गोवा में खींची थी, और वैसे स्क्रीनशॉट्स हैं और कुछ रील्स हैं बस जो मैंने कल पोस्ट किए थे इंस्टाग्राम पे. जिसको मैं सबसे ज़्यादा कॉल करती हूँ, इट हैज़ टू बी थेरिया एंड सलोनी, दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स. इनको मैं हर रोज़ कॉल करके एक एक घंटा परेशान करती हूँ. ओके, ये मुझे पता है, इट्स द वो मंकी नहीं आता जो ऐसे आँखें बंद करता है, इट्स दैट. और एक वो बहुत ही इमोशनल सा वो बिटमोजी नहीं कहोगे, इमोजी कहोगे उसको, जो ऐसे देखता है बहुत प्यार से, तो वो दोनों मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ और वो हमेशा मेरे काम आते हैं. द वॉलपेपर, दिस इज़ माय वॉलपेपर. ये ऐसे होता है, ये लाइव है और पीछे रोजेज आ जाते हैं. ये मैंने एक एडिट किया था और ये मेरा फेवरेट है, तो ये मेरा वॉलपेपर है. और मेरा होम स्क्रीन इज़ शीरो का फ़ोटो, माय डॉगी, जो तब पपी था, छोटू सा. अरे मैं रखती नहीं हूँ वैसे, बट देखना पड़ेगा. अगलीस्ट पिक्चर हैज़ टू बी एक्चुअली नहीं है कभी सेव ही नहीं की. अगर आपको ऐसे रैंडम चाहिए तो भाई रैंडम पिक्चर्स बहुत है मेरे पास, पर अगली पिक्चर्स मेरे पास धैर्या की वीडियोस है, अगली और फनी वीडियोस, पर खुद का दूसरों के फ़ोन पे होगा, मेरे फ़ोन पे नहीं है, रखती ही नहीं हूँ कभी पता चल गया तो. बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करती हूँ उसको, बहुत ज़्यादा हरास भी करती हूँ उसको, उसका उसकी सोते हुए भी वीडियोज़ है मेरे पास. और एक बार वो सो रहा था और मैंने वैक्स स्ट्रिप होती है ना उसके आईब्रोज़ पे लगा ली थी और वैक्स कर दी थी उसके आईब्रोज़, वो तो भी मुझ पर गुस्सा नहीं हुआ था. नॉन सोशल मीडिया ऐप हैज़ टू बी I have so many apps. I think it has to be something related to like house party भी नहीं कर सकते ना. Wattpad मैं पहले बहुत use करती थी, अब मैं नहीं करती. Truecaller पहले use करती थी, अब use नहीं करती. तो ऐसी apps है, but ऐसे कोई मेरे पास सारी useful apps है, ऐसे मैंने कुछ फालतू app रखा नहीं अपने phone में क्योंकि मेरा phone full हो चुका है इतनी सारी videos and photos. Last screenshot I took was of the streaks I have with my friends. Yeah, it's on Snapchat. सबसे लंबी streak मेरी I think सलोनी के साथ है, which is of 112 days, और एक और मेरे friend के साथ है which has crossed 200 days. सिर्फ यही दो है जिनके साथ सबसे लंबी है. Okay, it was I remember, आज ही मैं सुन रही थी वो गाना. It's that song called No Idea. मैं मुझे उसके lyrics याद थे थोड़े थोड़े, तो मैं उस through वो गाना search कर रही थी. There's so many people. But वो बहुत lucky है कि मैं उनको stalk करती हूँ. But can I say myself? मैं नाम नहीं ले सकती. Any celebrity, I don't stalk any celebrity. It has to be me, if that's the case. I was speaking to my friend, and I got a text from him. I just got back from my practice. So yeah, that was, I texted hello, and that's his reply. अभी तो कोई नहीं है, अभी ऐसे है, बट वैसे अगर यूज़ करती हूँ तो इट हैज़ टू बी जस्ट अ सिंपल वन, क्योंकि अभी नया नया फ़ोन लिया है ना, तो ऐसे लोगों को दिखाना होता है ना कि चलो नया फ़ोन लिया है. वो भी मैं कवर लगा दूँगी, अब तो सारे आईफोन सेम दिखते हैं, फिर फ़ायदा क्या होगा. तो अभी कोई कवर नहीं है. आई थिंक इट्स ऑफकोर्स कि मैं टाइम पर सोती नहीं हूँ, और सोने से पहले हमेशा सोशल मीडिया खोलती हूँ,
और ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ सोशल मीडिया, आई एम नॉट ऑब्सेस्ड विद सोशल मीडिया. मैं नवंबर में भी मैंने ब्रेक लिया था, दिसंबर में भी लिया था, तो मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेती रहती हूँ. तो ऐसा कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बस ये कि ऑफकोर्स काफ़ी लोगों को मेरी लाइफ के बारे में पता है, दैट्स इट. ओके, आई हैव टू से इट हैज टू बी दिस वन, जो मेरा वॉलपेपर भी था. इट्स लिटरली माई फेवरेट पिक्चर, इट इज़ सो नाइस. बस ये, मुझे इंडियन कपड़े बहुत पसंद हैं और ये पिक्चर मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी थी. अरे बाप रे, दिस गॉट 43 एंड द अदर पिक्चर दैट इज़ ऑल्सो माई फेवरेट, कहाँ गई वो, दिस गॉट 1,13,000 लाइक्स. ये मेरी बर्थडे की नहीं है, ये नूर मेरी सिस्टर का बर्थडे था, तब मैंने खींची थी. और एक्चुअली मैंने ना बहुत टाइम बाद डाली थी और मुझे लगा था लोगों को ये पिक्चर इतनी अच्छी नहीं लगेगी, एंड टर्न्स आउट टू बी लोगों को ये पिक्चर बहुत अच्छी लगी. मुझे भाविन का स्पेशली फ़ोन आया था कि रोशनी द पिक्चर यू पोस्टेड इज सो गुड, आई वाज लाइक थैंक यू. द सेगमेंट वाज रियली रियली नाइस, आई हैड अ लॉट ऑफ फन और मुझे अपने ज़्यादा सीक्रेट्स भी नहीं बताने पड़े, मैंने छुपा दिया थोड़ा थोड़ा. बट येस, इट्स वेरी नाइस एंड आई ऑलवेज वॉन्ट माई फैंस and my people to know what's happening in my life. So yes, it was great.